नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ मुरमुरा, जिसको लाई के नाम से भी जानते हैं कई जगह, तो इसकी मैं लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मगर संक्रांति का त्यौहार पास आ ही गया है और फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं ये लड्डू, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बनाने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा, मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल कलर से सब्सक्राइब है उसे प्रेस कर दें। तो हमने यहाँ पर एक कप गुड़ ले लिया है और इसी कप से हमने तीन कप मुरमुरा ले लिया है, यानी कि तीन कप मुरमुरा दाना तो एक कप गुड़, इतनी क्वांटिटी इसकी रखनी है। इस क्वांटिटी से आप बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये मुरमुरा दाना है तो इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके ही इसको रोस्ट करना है फ्रेंड्स। ऐसे मुरमुरा को हल्का रोस्ट कर लेंगे ना तो ये अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं और हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे, जो खाने में बढ़िया कुरकुरे टाइप के लगते हैं ना, तो इसका मेन विशेषता यह है कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे रोस्ट कर लेंगे ना तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इसको हमने मिनिमम 5 से 6 मिनट ही रोस्ट किया है, गैस का फ्लेम स्लो पे ही रखना है, स्लो या मीडियम पर रखें फ्रेंड। थोड़ी देर बाद हमने इसको देखा, ये बढ़िया से क्रिस्पी हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको कढ़ाई से निकाल देते हैं। कढ़ाई में रखे रखे क्योंकि ये नीचे से जलने का भी रहता है कि जल सकते हैं। ये देखिए बढ़िया क्रिस्पी लग रहे हैं ना, तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसे कि कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं रहता ना और हमें लड्डू बनाना है तो इसको ज़रूर बनाएं। और हमने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी ले लिया है। घी डालने से बहुत ही अच्छे बनेंगे, स्वादिष्ट तो बनते ही हैं, लेकिन मार्केट में आपने देखा होगा ना कि लड्डू बड़े शाइन करते हैं ऊपर से देखने में, तो उसकी मेन यही है ट्रिक कि वो लोग घी डालते हैं। और इसमें हमने ये जो है गुड़ को डाल दिया है। गुड़ को हमने पहले से ही ग्रेट कर लिया था छोटा छोटा करके, ताकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाए। ये देखिए मेल्ट होते जा रहा है। चाशनी बनाते टाइम गैस का फ्लेम हमको मीडियम टू स्लो पे ही रखना है फ्रेंड्स, तेज पे नहीं पकाना है इसकी चाशनी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये ऊपर से झाग छोड़ने लगेगा, तो ये इसको हमको ऐसे ही रखना है। यदि आपको ज़्यादा हार्ड लड्डू बनाना है तो इसकी चाशनी को आप ज़्यादा पकाएं, नहीं तो आपको बढ़िया सॉफ्ट जो बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। तो इससे जब ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे जो बढ़िया से झाग छोड़ने लगेगा, उस समय गैस का फ्लेम स्लो पे ही रखें और इस समय इसको हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है कि नहीं। तो इसके लिए हमने कटोरी में एक तरफ नॉर्मल पानी ले लिया है, उसमें हम इस चाशनी की 4 से 5 ड्रॉप डालकर देखेंगे। यदि ये ड्रॉप फैल नहीं रही है, घुल नहीं रहा है इसमें गुड़ ये चाशनी, और ऐसे करके देख रहे हैं तो देखिए फिट हो रहा है, तो हम इसी समय हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और इससे यदि हम ज़्यादा पकाएंगे ना फ्रेंड्स, तो उस समय हमारे लड्डू हार्ड लगेंगे खाने में। अब इसमें हम ये जो मुरमुरा है जो हमने पहले से ही हल्का रोस्ट कर लिया था, उसको इसमें ऐड कर देते हैं और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, ताकि ये नीचे से चाशनी जल ना पाए और हार्ड ना हो। और हम जल्दी जल्दी इसको पूरे सारे मुरमुरा को इसमें मिक्स कर लेते हैं। लड्डू बनाने का यही टेक्निक है कि आप जिस भी कप से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो एक कप गुड़ लें और 3 कप मुरमुरा दाना लें। ये आप ठंड में ज़रूर बनाकर खाएं, ताकि ये अच्छा भी रहता है हेल्थ के लिए, गुड़ तो गर्म होता है और बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं। इसको बढ़िया से हमने मिक्स कर दिया, अब इसको बनाने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो एक कटोरी में हमने नॉर्मल पानी ले लिया है, पानी की हेल्प से हम अपने हाथ गीले कर लेंगे, ताकि ये जो गुड़ है ना हाथ में चिपके ना और आसानी हो, क्योंकि ये गरम गरम में ही बनाना पड़ता है। ज़्यादा देर लगाएंगे ना फ्रेंड्स तो ये हमारे हार्ड हो जाएंगे और लड्डू नहीं बन पाते हैं। देखिए बीच बीच में मुझे चिपक भी रहा है ऐसे हाथ में। आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप हाथ को गीला करते जाएँ, और साथ ही स्पून से भी लेकर आप लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, ये खाने में रियली बहुत ही स्वादिष्ट भी लगते हैं। जिस भी साइज़ की आप बनाना चाहते हैं, बड़े या छोटे, वैसे बना कर रख लें। बस इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि इसको बनाने के लिए, आप लड्डू बनाने के लिए हाथ में गर्म लगता है तो आप ठंडे पानी का ही यूज़ करें, घी वगैरह ना लगाएं। यदि आप घी लगाएंगे ना तो दिक्कत बन जाएगा हाथ, आपके हाथ में और ये गुड़ चिपक जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा लास्ट में बनाते बनाते लेट हो गए हैं तो ये हार्ड हो गया है। तो ये देखिए नीचे साइड ये जो गुड़ है ना, गुड़ भी जम गया है, अलग ही कलर दिख रहा होगा आपको कि इसमें ज़्यादा रेडिश लग रहे हैं।
तो यदि आपको लग रहा है आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं, हल्का गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा गुड़। तो ये बढ़िया से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। मेरी बेटी को तो सब्र ही नहीं है, वो तो उठाकर तुरंत खाने को तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारे फटाफट से ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप इस मकर संक्रांति में इसको बनाकर जरूर ट्राई करें, खाने में रियली बहुत ही अच्छे लगते हैं। मार्केट में जैसे दिखते हैं ना बिल्कुल शाइन करते हुए, वैसे ही हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसकी यही टेक्निक है कि इसमें आप घी ऐड करेंगे ना तो आपके लड्डू बढ़िया शाइन करते हुए नज़र आएंगे। ये ज़्यादा गुड़ के जो लेट हो गए थे बनाने में, तो वही ये लड्डू हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।